कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में बड़े पशु अस्पताल खोलने और 50 से अधिक कॉल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत गंभीर पशुओं का इलाज करने के लिए एक कॉल पर चिकित्सक उनके घर तक पहुंचेंगे। कृषि मंत्री हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा राजकीय पशु चिकित्सालय सिवानी में आयोजित बाल पशु मेले में पशुपालकों को संबोधित कर रहे थे। पशुपालन विभाग की जो टीम मिलकर काम करे, हम पीड़ा उठा लें तो 3-4 साल के अंदर पशुओं की नस्ल सुधार के सही मायने में उसकी AI करें, ऐसा सीमन यूज करें जिसकी 20 लीटर 30 लीटर दूध वाले माँ बाप हो और उनका बच्चे पैदा करें, देखभाल अच्छी तरह करें, बीमारी से बचा के रखें, तो ये काम आराम से हो जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का दुग्ध उत्पादन हो रहा है, इसे दोगुना करने पर बल दिया जा रहा है। NCR क्षेत्र के नजदीक होने के कारण यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मछली पालन अधिकारी पूर्ण तालमेल के साथ कार्य करें। और एक घर में एक पशु है, कोई गाय है, भैंस है, 5-7 लीटर वाली है, उसकी नस्ल सुधर जाए 2-4 साल में, वो डबल दूध हो जाए, तो खाओ पियो खर्चा तो उतना ही रहेगा, उसका मोटा मोटी 10% बढ़ जाएगा, लेकिन उत्पादन उसका दोगुना हो सकता है। सबसे ज्यादा सहायक जो चीज है। कृषि मंत्री ने किसानों का आह्वान किया कि किसान परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, सब्जी, मशरूम, पशुपालन एवं मछली पालन आदि के व्यवसाय को अपनाएं ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। खाने के लिए फसलों का विविधीकरण हो, इस जो धान और गेहूं का चक्कर, इससे किसान निकले, बागवानी करे, सब्जियों की तरफ जाए, मधुमक्खी का पालन करे, मशरूम की खेती करे, या खेती करे,